आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी फिर से लेकर आ गया हूँ। आप लोग यदि ने इलेक्ट्रिकल से आईटीआई डिप्लोमा या फिर बीई बीटेक किया हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोग, बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है तेलंगाना स्टेट से। इसमें ऑल इंडिया जो है एलिजिबल है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 70 वैकेंसी हैं। इसमें आप लोग बी किया हुआ है इलेक्ट्रिकल से, बैचलर डिग्री है आपके पास, तो आप लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। इसमें स्टार्टिंग डेट देख सकते हैं, फीस की 12 मई दिखाया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पर जो एग्ज़ाम की डेट दिखाई गई वो 17 जुलाई, और आप लोग की ये एग्ज़ाम की लास्ट डेट जो है वो 3 जून तक आप लोग की लास्ट डेट है। तो अभी आप लोग के पास काफ़ी टाइम है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो होगा 17 जुलाई तक। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर वैकेंसी, और इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पे स्केल। आप लोग सैलरी आप लोग की 64,000 से लेकर के आप लोग की 99,000 तक जा सकती है, और आपकी जो एज है वो 18 से 44 के बीच में होनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की। एज यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आप लोगों की यहाँ पर देखें तो आप लोग की यहाँ पर आप लोग की 200 रुपये फ़ीस रखी गई है एप्लीकेशन की, और प्लस में यहाँ पर 120 रुपये जो है वो एग्जामिनेशन फ़ीस रखी गई है। टोटल आप लोगों की 330 रुपये फ़ीस रखी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फ़ीस आप लोग की टोटल 300 रुपये, 320 रुपये फ़ीस है। इसके बाद आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं सारा प्रोसेस दिखाया गया है। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर वाले जो एई के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो लोग के लिए यहाँ पर 80 नंबर का जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होगा। इसके अलावा यहाँ पर BEE होगा, बेसिक पावर सिस्टम कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग डिजिटल, ये सारा आप लोगों का होने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सब इंजीनियर की, यानी कि डिप्लोमा होल्डर्स के, जिन्होंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किया है उनके बारे में। तो जिन स्टूडेंट ने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से या फिर आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेम आप लोग के डेट यहां पर दिखाई गई है, 15 से आप लोग का स्टार्ट हो गया है, और इसके अलावा 5 जून तक आप लोग लास्ट डेट है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम जो है वो होगा 31 जुलाई को। यहाँ पर सारा कुछ आप बता दिया गया है। इसके अलावा आप लोग सैलरी देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी 45,000 से लेकर के 88,000 तक सैलरी जा सकती है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 201 वैकेंसी बताई गई हैं। इसके अलावा आप लोग की वैकेंसी यहाँ पर है वेरिएशन, यहाँ पर घट बढ़ भी सकती हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पर आप लोग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 साल का पूरा होना चाहिए। एज आप लोग के 18 से 44 रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस सेम वही रहेगी आप लोग की, 200 रुपये एप्लीकेशन के, और इसके अलावा 120 रुपये आप लोग के एग्ज़ाम फ़ीस। और आप लोग अभी अपना सिलेबस देख सकते हैं, और इसके अलावा इनमें काफ़ी चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो सारी हमने आप लोग को बता दे रहे हैं। इसके अलावा भी आप लोग जब अप्लाई करें तो इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लें, इसके बाद ही आप लोग अप्लाई करें। और आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आप लोग को बता देंगे, इस वीडियो में बने रहिएगा। और ये आप लोग को PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगी, लिंक आप लोग के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस में क्या क्या बताया गया है। मशीन होगी आपके, ट्रांसफार्मर होगा, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, पावर सिस्टम हो गया, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और UEE आपका हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग का इलेक्ट्रिकल एस्टीमेशन एंड ऑटोमेशन हो जाएगा, और यही सारे सब्जेक्ट आप लोग के पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं 20 नंबर आप लोग का हिंदी इंग्लिश, ये सारा आप लोग का सिलेबस है। आप लोग पूरे जब रीड करेंगे तो इस सब चीज़ों को देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं ITI वालों के लिए। तो ये आप लोग PDF देख सकते हैं, ये है लाइनमैन के लिए, जिन्होंने ITI किया हुआ है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से।
तो उन लोगों के लिए यहाँ पर आप लोग डेट वगैरह देख सकते हैं। आपका एग्ज़ाम 17 तारीख को पड़ेगा, 17 जुलाई का। आप अपनी फ़ीस देख सकते हैं, वैकेंसी 1000 वैकेंसी हैं। आप लोग अपनी सैलरी देख सकते हैं, एज लिमिट भी वही रहेगी आप लोग। और इसके बाद बात कर लेंगे आप लोग के सिलेबस की, तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड से जो है पूरे 65 मार्क्स का पूछा जाएगा, ये आप लोग के टॉपिक रहेंगे। इसके बाद जनरल नॉलेज पूछा जाएगा 15 मार्क्स का। ये सारा कुछ आप लोग रीड करने के बाद आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, चलिए वो बात आप लोग को बता देते हैं। PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर तीनों की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जो जिन्होंने लाइनमैन सब इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तीनों स्टूडेंट, तो ये आप लोग को तीनों प्रकार की PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट AE के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो होम के ऑप्शन पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो इसी साइड में आपको सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर मेक पेमेंट सबमिट अप्लीकेशन ये आप लोग का देखने को मिल जाएगा। तो ये इसमें आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर से आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आप लोग का पेमेंट वाले ऑप्शन में भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग का दूसरा फॉर्म खुल जाएगा। वहाँ पर आप लोग केवल डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ से आप लोग जो है अप्लीकेशन को फिलअप करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं खुल गया है। यहाँ पर आप लोग अपना एप्लीकेशन जो है फिलअप कर सकते हैं। और ये जितनी भी लिंक हैं आप लोग को मेरे जब यह वीडियो देखेंगे तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर जैसे ही खोलेंगे तो ये सारी लिंक आप लोग को अप्लाई से लेकर के जितनी भी साइट की लिंक हैं सारा कुछ आप लोग को देखने को मिल जाएगा। वहाँ से लिंक से आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमें लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं, अपने साथियों को ज़रूर ये शेयर करें ताकि वो उनको भी पता चले, वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।